लखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के प्रवास के पहले दिन दो सड़का के पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कॉलोनी और टाउन भराड़ी नंदन पलासी सड़क का शिलान्यास भी किया। समारोह में विधायक सुरेश कुमार, विधायक रंजीत राणा, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला के सभी तहसील व उप तहसीलों के लगभग 3,500 लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर तरह से कदम उठा रही है। अब प्रदेश में उन्हीं लोगों को बिजली, पानी और दूसरी योजनाओं में सब्सिडी दी जाएगी जो सही में इसके पात्र होंगे। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। उसको हम जीरो बिजली के बिल के दायरे में लाने के बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है और मैं ये चाहूंगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जो बिजली का बिल देना चाहते हैं, वो स्वयं भी आगे आए ताकि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बड़े बड़े होटल हैं जिनका टर्नओवर 40 करोड़ 50 करोड़ है, 100 कमरे हैं, उनको भी हम बिजली में 1 रुपए की सब्सिडी देते हैं। जब वो फायदा कमा रहे हैं, चाहे वो बड़े होटल कोई भी हो पूरे प्रदेश में हो, क्योंकि 60% जो बड़े होटल है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनते जा रहे हैं, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है, हम अपना गला काट कर बड़े बड़े होटलों को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा प्रयास था, लेकिन जब वो खुद सामर्थ हो चुके हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें भी सरकार की जो बिजली की सब्सिडी है उन्हें खुद ही स्वयं से त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो बिजली हम आपको दे रहे हैं वो 24 घंटे रहे और उसकी क्वालिटी में अच्छा और उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, ये प्रयास हमारा सरकार का आगे है। क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होगी तो लाइट बंद नहीं होगी, आपकी क्वालिटी में फुल लाइट आएगी और आप अच्छी तरह से अपने व्यापार को चला सकते हैं। लेकिन मेरे ध्यान में कोई ऐसी चीजें आई है जहां हम सब्सिडी की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 40 साल से वो सब्सिडी ले रहे हैं, अब उनका व्यापार काफी फल फूल गया है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आप खुद ब खुद इस बिजली का सब्सिडी का त्याग करें, मेरा ये मानना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने जिला के करीब 3,500 लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।